सो चलिए गाइस, आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे आप कैसे इथानोल का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो बिल्कुल इजी मेथड से बहुत ही शॉर्ट टाइम के अंदर। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों इथानोल के फॉर्मूले के। इथानोल का फॉर्मूला होता है बच्चों C2H5OH। इथानोल का बच्चों कॉमन नेम होता है इथाइल अल्कोहल और बच्चों इसका यूपीएससी नेम होता है इथानोल। इसके बाद बच्चों अगर आप इथानोल का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करना चाहते हो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से, सबसे पहले आपको बच्चों क्या आना चाहिए, इथानोल का सिंपल स्ट्रक्चर ड्रॉ करना आना चाहिए। तो इसका सिंपल स्ट्रक्चर कैसे बनेगा मैं आपको सिखाता हूं, कितना आसान है। मैं आपको नजर आ रहा हूं इथानोल में आपके दो कार्बन है, तो सबसे पहले आप क्या करो दो कार्बन ड्रॉ करो, इन दो कार्बन बनाओ और इन्हें सिंगल बॉन्ड से जोड़ दो। इसके बाद आपको पता चाहिए कार्बन मैक्सिमम चार बॉन्ड बनाता है। तो देखो इस कार्बन का एक बॉन्ड बना है तो इस कार्बन कितने बॉन्ड फ्री है, एक दो तीन बॉन्ड फ्री। ऐसे इस कार्बन का भी एक बॉन्ड बना, इसके भी एक दो तीन बॉन्ड फ्री। इसके बाद आपको नजर आ रहा होगा इथानोल के अंदर आपका OH ग्रुप होता है। OH आपका क्या होता है बच्चों, हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है। और हाइड्रोक्सी ग्रुप में क्या होता है ऑक्सीजन से हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। तो इसके बाद आपको क्या करना है, किसी भी एक कार्बन से हाइड्रोक्सी ग्रुप को अटैच कर दो। हाइड्रोक्सी ग्रुप यानी OH को अटैच कर दिया आपने, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो गया। इसके बाद आपको क्या करना है, कार्बन के बचे बॉन्ड को किससे पूरा कर दो, हाइड्रोजन से पूरा कर दो। हाइड्रोजन आपका एक बॉन्ड बनाता है और देखो यहाँ पे पांच हाइड्रोजन है, तो देखो ये दो हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएंगे, एक दो, तो हाइड्रोजन इससे अटैच कर दिए, एक दो तीन, तीन हाइड्रोजन से अटैच कर दे, तो देखो पांच हाइड्रोजन आपने अटैच कर दिए, तो इसका सिंपल स्ट्रक्चर बन गया। इसके बाद बच्चों अगर आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है तो देखो आप बिल्कुल ध्यान से देखना, सबसे पहले आप क्या करो फिर से सारे सारे एटम लिख लो, लेकिन इस बार आपको बॉन्ड नहीं बनाने, क्योंकि इस बार हम बॉन्ड को किसकी फॉर्म में दिखाएंगे, डॉट की फॉर्म में दिखाऊंगा भाई। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर का मतलब क्या, बॉन्ड को हम किसकी फॉर्म में दिखाएंगे, डॉट की फॉर्म में दिखाएंगे, इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में दिखाएंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ आइटम वहाँ वहाँ पे लिख लो, एक दो तो कार्बन है हमारे भाई, दो कार्बन लिख लिए भाई, एक हाइड्रोजन यहाँ पे आपका, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, तो तीन हाइड्रोजन तो ये हो गए और दो हाइड्रोजन इससे जुड़े हुए, एक दो, ऐसे यहाँ पे लिख लो। इसके बाद बच्चों जहाँ ऑक्सीजन ऑक्सीजन लिख लो और जहाँ हाइड्रोजन फिर से हाइड्रोजन लिख लो, तो इतना काम आपने कर लिया। इसके बाद अब यहाँ से मेन कहानी आपकी शुरू होगी। सबसे पहले स्टेप में आपको क्या करना है बच्चों, इसके बाद वैलेंस इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करने ईच आइटम के, यानी सभी आइटम के आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करने। तो यहाँ पे देखो आपको तीन तरह के आइटम नजर आएंगे भाई, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, भाई तीन तरह के आइटम है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करेंगे। इसके लिए हमें क्या करनी पड़ेगा बच्चों, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करनी पड़ेगी भाई। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर वन होता है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होगी, वन हो जाएगी। तो इसकी बाहर वाली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, एक ही इलेक्ट्रॉन भाई, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी बाहर वाली सेल में भी एक इलेक्ट्रॉन है। तो बाहर वाली सेल के इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो हाइड्रोजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसके बाद आपको क्या करना है, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसको किसकी फॉर्म में दिखाना है, डॉट की फॉर्म में दिखाना है भाई। आप या तो इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में क्या करना है, तो डॉट की फॉर्म में दिखाना है आपका, क्रॉस की फॉर्म में दिखाना है। तो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को हम डॉट की फॉर्म में दिखाएंगे। तो देखो भाई इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन होगा, तो यहाँ पे एक डॉट बना दो। इसकी बार वाली सेल में भी एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसके भी एक डॉट बना दो। ऐसे ही जितने हाइड्रोजन उनके सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन, तो एक एक डॉट बना दो। ये आपने इतना काम कर दिया। इसके बाद क्या करेंगे, हम कार्बन के निकाल लेंगे ऐसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। पर दूसरा आइटम आपका कार्बन, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2.4। बाहर वाली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 4 होंगे। इसके बाद बच्चों कार्बन के इलेक्ट्रॉन को हम बनाएंगे क्रॉस की फॉर्म में, क्योंकि इससे हम पता लगता रहेगा भाई कौन से इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के, कौन से किसके है बच्चों कार्बन के। क्रॉस वाले हमारे किसके होंगे, कार्बन के इलेक्ट्रॉन होंगे, डॉट वाले बच्चों हमारे किसके इलेक्ट्रॉन होंगे, हाइड्रोजन के। तो कार्बन की बाहर वाली सेल में 4 है, तो इसके बाहर भी 4 बनाओ ऐसे, 1 2 3 4, बिल्कुल आराम से। इसके बाद बच्चों इसमें देखो इसकी बाहर वाली सेल में 4 होंगे, 1 2 3 4, 4 क्रॉस बना दें, बाहर वाली सेल के इलेक्ट्रॉन आपको बस बनाने। इसके बाद चलो बच्चों ऑक्सीजन पे, तीसरा आपका ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होगी, 2.6। बाहर वाली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 होंगे, तो भाई बाहर यानी 6 इलेक्ट्रॉन बना। इसके बाद बच्चों ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को भी हम क्रॉस से बनाएंगे, इससे हमें पहचान लेगी, तो यानी इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, 6, तो 6 क्रॉस बनाने यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6, 2 ऐसे बना यहाँ पे। इसके बाद बच्चों जो सबसे मेन स्टेप है, सेकंड स्टेप, अब आपको क्या करना है बच्चों, कोवेलेंसी फाइंड आउट करनी ईच आइटम की। अब कोवेलेंसी बच्चों क्या होती है, कोई भी आइटम जितने इलेक्ट्रॉन शेयर करके स्टेबल हो जाए उसको हम क्या बोलते हैं, उसकी कोवेलेंसी बोलते हैं। मैं आपको समझाता हूँ, देखो सबसे पहले हम हाइड्रोजन की कोवेलेंसी निकाल लेंगे भाई, हाइड्रोजन की बार वाली सेल में एक इलेक्ट्रॉन है और हाइड्रोजन को बार वाली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए, तो यानी एक तो इसके पास ऑलरेडी, तो एक इलेक्ट्रॉन और शेयर करेगा तभी तो जाकर स्टेबल होगा, तो इसकी कोवेलेंसी कितनी, 1, यानी एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके क्या होगा, स्टेबल होगा। अब ध्यान से देखो हम जब हाइड्रोजन का गोला करेंगे भाई, यहाँ पे देखो हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन, तो अपना एक इलेक्ट्रॉन किसका शेयर करेगा, कार्बन का। देखो हाइड्रोजन का गोला बनाओ, अब हाइड्रोजन का गोला अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसके गोले के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हो गए भाई, एक तो इसका अपना, एक इसने कार्बन का शेयर करा। तो देखो हमें यहां से पता भी लग रहा है, डॉट का मतलब इसका इलेक्ट्रॉन, क्रॉस का मतलब इसने कार्बन का इलेक्ट्रॉन एक शेयर कर रखा, तो देखो स्टेबल हो गया। ऐसे ही हाइड्रोजन करेगा भाई शेयर, ये ऐसे शेयर कर ले, इसके गोले के अंदर भी 2 हो गए, तो जहां पे भी आपको हाइड्रोजन नजर आएगा उसके गोले के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ऐसे वाला हाइड्रोजन शेयर करेगा इलेक्ट्रॉन, ऐसे ऐसे वाला हाइड्रोजन शेयर करेगा, ऐसे वाला हाइड्रोजन शेयर करेगा, ऐसे ही ये वाला हाइड्रोजन शेयर कर लेगा। तो आप यहाँ तक बिल्कुल अच्छे समझ चुके हैं। इसके बाद हम बढ़ते हैं कार्बन पे। अब देखो कार्बन की बाहर वाली सेल में 4 इलेक्ट्रॉन, अब कार्बन को बाहर वाली सेल में चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन स्टेबल होने के लिए, तो 4 तो इसके पास ऑलरेडी, 4 और शेयर करेगा किसी के, तो इसकी कोवेलेंसी कितनी होगी, 4 भाई, तभी तो ये 4 बॉन्ड बनाता है, ये तो मैंने आपको ऑलरेडी पहले बता रखा। तो 4 इलेक्ट्रॉन और शेयर करेगा। अब इस वाले कार्बन को देखो ध्यान से, इसके पास भाई 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन तो अपने, अभी किसके शेयर करेगा, अभी 4 इलेक्ट्रॉन और शेयर करेगा। ध्यान से देखो यहाँ पे वाला कार्बन है, तो देखो इसने इतना पोर्शन शेयर कर रखा है ये वाला, तो यहाँ पे आप गोला बनाना है ये ऐसे करके, ऐसे
तो ध्यान से देख लो आप, इस गोले को गौर से देखोगे आप, इसके अंदर आपको नजर आएगा भाई एक दो तीन चार, ये तो इसके अपने इलेक्ट्रॉन एक इसने शेयर कर रखा है इस हाइड्रोजन का, एक इस हाइड्रोजन का, एक इस हाइड्रोजन का, और एक इसने कार्बन शेयर कर रखा है, देखो इधर से, तो देखो आठ इलेक्ट्रॉन पूरे हो रहे हैं इसके गोले में। ऐसे इस वाले कार्बन पे चलो भाई, इस वाले कार्बन पे देखो एक दो तीन चार, ये तो अपने इलेक्ट्रॉन है, और ये चार शेयर करेगा ऐसे ऐसे करके ऐसे, आप ध्यान से देख सकते हो भाई, इस गोले के अंदर चार तो अपने हो गए, तीन इसने, अब एक देखो इस कार्बन का शेयर करा इसने, एक इस हाइड्रोजन का शेयर किया, एक इस हाइड्रोजन का शेयर किया, और एक ऑक्सीजन का शेयर करा, देखो इतना पोर्शन शेयर कर रहा है ये वाला कार्बन, ये वाला इसका इलाका है, ठीक है। इसके बाद बढ़ो बच्चों लास्ट आपका, बस अब तो लास्ट में आ गए ऑक्सीजन पे। अब ऑक्सीजन की बाहर वाली सेल भाई छह इलेक्ट्रॉन है, अब ऑक्सीजन को बाहर वाली सेल में कितने चाहिए, एट इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए, तो यानी छह तो इसके पास ऑलरेडी, तो दो और चाहिए, तो इसकी वैलेंसी कितनी है दो, तो दो इलेक्ट्रॉन ही शेयर करेगा। अब ध्यान से देखना ऑक्सीजन की बाहर वाली सेल भाई कितनी है, तो छह इसके, एक दो तीन चार पांच, ये तो छह अपने, एक इधर शेयर करेगा, एक इधर शेयर करेगा, ये वाला पोर्शन, ये जैसे यहाँ पे दिख रहा होगा आपको ये वाला पोर्शन, बस देखो ये बन गया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, और क्या आता है इसमें। अगर बच्चों इस रिगार्डिंग आपको कोई भी डॉक्टर तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।